अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम कंपैरिजन लेकर आए हैं जांगान अल्सवन का प्रोटोन सागा के साथ। हम इनके दोनों के तमाम वेरिएंट्स के आपस में प्राइस का कंपैरिजन करेंगे, उसके बाद दोनों के टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट्स जो लुमेर है जांगान अल्सवन का और प्रोटोन सागा का जो प्रीमियम ऑटोमेटिक वर्जन है, इनका आपस में कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि उनमें कौन कौन से फीचर्स सिमिलर हैं और कौन से फीचर्स किसी एक में एक्सक्लूसिवली हैं दूसरे में नहीं हैं। प्रोटोन सागा और जांगान अल्सवन के तीन तीन वेरिएंट्स पाकिस्तान में लॉन्च हो रहे हैं। प्रोटोन सागा का जो 1.3 लीटर मैनुअल ट्रांसमिशन है, एक 1.3 लीटर ऑटोमेटिक और 1.3 लीटर प्रीमियम ऑटोमेटिक है। जो मैनुअल है वो तकरीबन एक्सपेक्ट किया जा रहा है 2 मिलियन, जो ऑटोमेटिक 1.3 है वो 2.2 और जो प्रीमियम ऑटोमेटिक वर्जन है वो 2.4 मिलियन एक्सपेक्ट की जा रही है। जांगान अल्सवन के प्राइसेस कंफर्म है, जो 1.3 लीटर कंफर्ट है ये 2.2 मिलियन है, जो 1.5 लीटर कंफर्ट है वो 2.4 मिलियन है और जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट 1.5 लीटर लुमियर है वो 25,49,000 की प्राइस है। अब हम इनकी स्पेसिफिकेशंस की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम हाइट की बात करते हैं, तो अल्सवन की है 1488 मिलीमीटर, सागा की है 1491 मिलीमीटर। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है हाइट में, लेकिन अगर इनकी विड्थ की बात करते हैं तो अल्सवन की है 1725 और सागा की है 1689 मिलीमीटर। सागा अल्सवन से तकरीबन 35 मिलीमीटर छोटी है। जगह अगर हम इनकी लेंथ की बात करते हैं तो अगेन जो सागा है वो है 4331 मिलीमीटर और अल्सवन है 4390 मिलीमीटर, तो तकरीबन 60 मिलीमीटर लेंथ में भी सागा जो है वो अल्सवन से छोटी है। अगर हम पहले कार के फ्रंट व्यू की बात करें तो अल्सवन की जो फ्रंट ग्रिल है, जिसको बटरफ्लाई ग्रिल का नाम दिया गया है, वो अग्रेसिव सी लुक देती है। लाइट्स बड़ी खूबसूरत हैं इसकी, जो डीएलएल्स हैं वो भी खूबसूरत हैं। जो सागा है वो तकरीबन सिंपल डिज़ाइन है, ज़्यादा अग्रेसिव लुक नहीं है। बम्पर भी थोड़ा सा सिंपल है, जो फ्रंट ग्रिल है वो काफ़ी चौड़ी है, जो उनका सिग्नेचर ग्रिल है। लाइट्स भी काफ़ी ज़्यादा चौड़ी है, तो डिसेंट आप कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा खूबसूरत उसका फ्रंट आप नहीं कंसिडर कर सकते। कार के साइड व्यू की बात करते हैं तो जांगान अल्सवन जो है उसका ड्यूअल वेस डिज़ाइन है, दो लाइंस हैं, एक फ्रंट से ओरिजिनेट हो रही है, एक बैक साइड से, जो काफ़ी अग्रेसिव लुक देती है। जो सागा है उसके ऊपर एक सिंपल लाइन है, जो फ्रंट डोर से रियर डोर पीछे रियर लाइट तक जा रही है। अगेन अल्सवन का डिज़ाइन आई थिंक ज़्यादा खूबसूरत है एज़ कम्पेयर टू सागा। सागा थोड़ा सा सिंपल डिज़ाइन रखा गया है। अगर हम कार के रियर व्यू की तरफ आते हैं तो प्रोटोन सागा की पहले बात करते हैं। लाइट्स थोड़ी सी ज़्यादा आई थिंक चौड़ी हैं, आजकल कार्स में थोड़ी स्लीक सी लाइट्स आ रही होती हैं। सेंटर में ग्रिल है इसकी क्रोम की, जो नीचे इसके एग्जास्ट जो ग्रिल हैं वो थोड़ी सी स्पोर्टी लुक देती हैं कार को, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो सिंपल डिज़ाइन है। जहाँ तक अल्सवन की बात है तो ये BMW से इंस्पायर हुआ है इसका रियर। लाइट्स बड़ी खूबसूरत हैं, ये लाइट्स आपको इससे मिलती जुलती यारिस में भी और फॉर्चुनर्स में भी नज़र आएंगी। जो ओवरऑल अगर हम देखें तो अल्सवन अगेन डिज़ाइन में सागा से यहाँ पे बेहतर है। अब हम इन कार के फीचर्स की बात करते हैं। हम कंपेयर करेंगे जांगान अल्सवन का लुमियर का प्रोटोन सागा के प्रीमियम ऑटोमेटिक वर्जन के साथ, लेकिन जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है तो क्योंकि वहाँ पे 1.3 है प्रोटोन की कार, यहाँ पे इस वजह से हम दोनों को आपको दिखा रहे हैं। 1.5 लीटर लुमियर और 1.3 लीटर जो कम्फर्ट है उसके भी स्पेसिफिकेशन अगर दिखा रहे हैं ताकि आप कंपेयर बेहतर तरीके से कर सकें। लुमियर में 1480 cc इंजन है, 4 सिलेंडर, 106 हॉर्स पावर और 140 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करती है कार। जब हम 1.3 की तरफ आते हैं तो प्रोटोन की 1332 और अल्सवन की 1370 cc दोनों 4 सिलेंडर हैं। जो प्रोटोन है वो 95 हॉर्स पावर, 120 नॉटिकल न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है। जो आपकी अल्सवन की 1.3 लीटर कंफर्ट है वो 99 हॉर्स पावर और 135 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करती है। अब 1.5 और 1.3 का कंपेरिजन अगर करते हैं तो काफ़ी डिफरेंस है, इस वजह से हम दोनों के 1.3 को कंपेयर करें। इवन देन अल्सवन का 1.3 बेहतर है प्रोटोन के 1.3 के नस्बत। फ्यूल टैंक दोनों में 40 लीटर्स का है। बूट वॉल्यूम जो अल्सवन है उसकी 390
और जो प्रोटोन सागा है उसकी 420 लीटर्स है, थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस है प्रोटोन सागा में। जो टॉप स्पीड है वो 160 किलोमीटर पर आर है प्रोटोन सागा में और 200 किलोमीटर पर आर है एल्समैन में। अगर हम दोनों के टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट्स की बात करें तो दोनों में अलॉय रिम्स हैं, एल्समैन में 185/60/15 और जो प्रोटोन सागा उसमें 185/55/15 के टायर्स आते हैं। दोनों कार्स के अंदर दो दो एयर बैग्स हैं जो ड्राइवर और पैसेंजर के लिए हैं। अगर हम माइलेज की बात करें तो जो सिटी के अंदर एल्समैन है वो 12 और हाईवे पे 15 की दे रही है। प्रोटोन सागा की जब गाड़ी यहाँ पे आएगी चलेगी तो ज़्यादा बेहतर तरीके से पता चल सकेगा। जहाँ तक बात है ABS की तो दोनों में ABS है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल भी दोनों में है, हिल स्टार्ट असिस्ट भी दोनों में है। ट्रैक्शन कंट्रोल की बात करें तो वो सेगा में नहीं है, एल्समैन में दी गई है। जहाँ तक N95 केबिन फिल्टर है जो कि एयर को प्योरीफाई करती है वो एल्समैन में नहीं है और प्रोटोन सेगा में दी गई है। जहाँ तक AC का ताल्लुक है तो एल्समैन में क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन है, सेगा में AC मैनुअल है। तमाम वेरियंट्स के अंदर AC मैनुअल है। जहाँ तक उसकी लुक की अगर बात करें तो फिर भी जो एल्समैन है उसने बड़ा अच्छा उस केबिन का डिज़ाइन किया है और थोड़ा सिंपल है प्रोटोन सागा के अंदर। दोनों कार्स के अंदर रिमोट कंट्रोल बूट एक्टिवेशन है और साथ ही कीलेस एंट्री भी मौजूद है। अब हम कुछ ऑप्शंस की बात करेंगे जो चांगर एल्समैन में है और प्रोटोन सागा में नहीं है। सबसे पहले इसमें लेदर सीट्स हैं, एल्समैन में सनरूफ है, टैकोमीटर है, हीटेड साइड मिरर्स हैं जो फॉगी वेदर में काम आते हैं काफ़ी ज़्यादा, स्पोर्ट्स और मैनुअल मोड है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एल्समैन में मिलती हैं और प्रोटोन सागा में बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं स्पेशली जैसे क्रूज़ कंट्रोल, वो सागा में नहीं है। ये इंपॉर्टेंट फीचर है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ये आप कार के जो टायर्स हैं उनके अंदर एयर प्रेशर मॉनिटर कर सकते हैं। ये एल्समैन में है, प्रोटोन में नहीं है। कन्फिगरेबल AC वेंटिलेशन, डिजिटल AC, स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है, ये भी एल्समैन में है, प्रोटोन सागा में नहीं है। आखिर में एक नॉर्मल फीचर है शार्क फिन एंटीना जो एल्समैन में है और प्रोटोन सागा में नहीं है। व्यूज़ शॉर्ट वीडियो में हमने कोशिश की है कि हम जनरली कंपैरिजन कर सके दोनों कार्स का कि इनके अंदर फीचर्स वगैरह क्या कॉमन है और कौन से फीचर एक में है दूसरी में नहीं है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो हम अगर लुमियर के कंपैरिजन करें जो प्रोटोन सागा का 1.3 प्रीमियम वर्जन है या 1.5 कंफर्ट का इवन कर लें, फिर भी बहुत से ऐसे ऑप्शंस हैं जो आप एल्समैन में मिलते हैं लेकिन प्रोटोन में नहीं मिलते। तो अगर इनको आपस में कंपेयर करें तो मैं रिकमेंड करूँगा कि एल्समैन काफ़ी ज़्यादा बेहतर फीचर्स दे रही है आपको उस प्राइस में जो प्रोटोन में आपको नहीं मिल रहे। तो ओवरऑल अगर हम लुक की बात करें, स्पेसिफिकेशंस की बात करें, फीचर्स की बात करें तो एल्समैन आई थिंक बेहतर है प्रोटोन सागा से। व्यूज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।